100% वो ना करे पेशेंट के साथ, तो तीसरे दिन शहर में हवा फैल जाती कि ये डॉक्टर किसी काम का नहीं है, ले क्यों ये बातें सुनता ही नहीं है, ये बातों को इसका मरीज ठीक नहीं होता है। लो, सब व्यक्ति अपने प्रोफेशन के प्रति हैं, तो हम आध्यात्मिक लोग किस नाम पर इतना रिलेक्टेंट हो गए, सोच के देखना। दूसरा, कल मैं कह रहा था जीवन में एक बहुत बड़ी वृत्ति है, उसका नाम है संतोष, संतोष की वृत्ति। संतोष एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हमारे साथ उल्टा ही हो गया, हमको न पढ़ने का संतोष हो गया, तो फिर अब क्या कहा जाए उसके लिए। संतोष की वृत्ति जिसके भी मन में उठती है, ओ हो मानसिक अवसाद, ये दुख और ये जरा जरा सी बातों से रोना दो, वो हो ही नहीं सकता उसके अंदर। बस संतोष, तो भगवत संतों ने बोला सबसे बड़ी जो चीज है, वो सबसे बड़ा जो गुण है, उसको क्या कहा है, संतोष। सबसे बड़ा धन कहा गया। आखिर आप सोचो, बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से कभी, आखिर संतोष की उत्पत्ति कैसे होगी? मैं संतोष की उत्पत्ति सिर्फ बौद्धिक नहीं मानता, पढ़ने से संतोष नहीं होगा, बोलने से संतोष नहीं होगा, सहन करने से भी नहीं, तो बहुत फिजिकल लेवल पर आ गया। जो चीज आपके मस्तिष्क में गई है, जब तक मैं उस चीज को पालन नहीं कर लेता, और जब मैं पालन कर लेता हूं, तो मेरे मन में क्या है, ओहो मैं, अच्छा अभी आप जिन लोगों ने सुना और जिन लोगों ने नहीं सुना, उनके मन के बल में अंतर देखिए जरा, आत्मविश्वास। नहीं सुना तो चोरों की तरह सिर रहेगा, नहीं तो चोरों की तरह सिर रहेगा, और जिसने सुना है वो सीना तान के घूमेगा। तो कम से कम वो मिशन के किसी संत से भी अब मिलेगा तो वो सीना तान के तो कह सकता है, यस मैंने सुना है स्वरूप, मैं जानता हूं क्या कहा है, अभी वहां क्या हो रहा है मुझे पता है। अच्छा आपको क्यों नहीं पता? बोले अब हमारे पास समय नहीं था। अच्छा, यही एक व्यक्ति बहाना देगा और क्या देगा? और आपको क्या लगता है डेली आने वाले हैं क्या? अब 2020 की फरवरी में आएंगे वो, सिर्फ ऑनलाइन, शायद इतनी जल्दी मिलने वाले नहीं है वो। उन्होंने तो हमारी, हम लोगों पर कृपा करने के लिए ही तो किया, और क्या उनको क्या जा रहा था कि कम से कम ऐसे ही सुलभ हो जावे। कई बार प्रकृति हमारे जीवन में कई दिव्य चीजों को लाने की कोशिश करती है, लेकिन हमारी ये जो बुद्धि है ना, विश्लेषण की, अच्छा देखो ये बुद्धि ने विश्लेषण तो किया होगा ना, और विश्लेषण के परिणाम क्या आया कि हमको नहीं सुनना, हमारे लिए कुछ और चीजें अभी क्या हैं, प्रायोरिटी हैं, यही बुद्धि का आया हुआ। तो आप देखो ना, जो आपने पढ़ा उसके सामने आपका दृष्टांत है। बुद्धि ने विश्लेषण किया, बुद्धि ने परिणाम दिया, और उसके अनुसार आपके अंदर बल की उत्पत्ति होगी। अब इसमें क्या दो राय है भाई? वही व्यक्ति संतोष को प्रदान कर ले सकता है सुख, जिसने 100% कर्तव्य का निर्वहन किया। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ये जो तुलसीदास जी ने इसी को सूत्र, धर्म ते विरति, धर्म मतलब क्या, धर्म मतलब हिंदू धर्म नहीं, धर्म मतलब कर्तव्य। कर्तव्य व्यक्ति को तभी छोड़ता है जब उसने कर्तव्य का पालन किया होवे। कर्तव्य बोलने से नहीं होता। मैं ऐसा बोलूं कि मुझे पढ़ाना चाहिए पढ़ाना चाहिए पढ़ाना चाहिए, उसे क्या मिल जाएगा? आप बोले हमको समाज के लिए ये करना चाहिए, समाज के लिए ये करना चाहिए, क्या मिल जाएगा इससे? थोड़े दिन में समझ में आएगा ये व्यक्ति सिर्फ हाँ बोलने के लिए है, इसकी बात पे ज्यादा गंभीरता से मत लो। क्यों ऐसा सोचा? ये व्यक्ति बोलने का शेर है। जब तक कर्तव्य को न निभाया जाए, तब तक 100% न निभाया जाए, तब तक संतोष की उत्पत्ति,
तो भगवान भाष्यकार ने जो पहला हेतु दिया है वह दुर्विज्ञेय है। अभी स्पष्ट हो जाना चाहिए बुद्धि में कि जब भी श्रुति दुर्विज्ञेय बोलती है तो आपसे यह आशा करती है कि आपको अधिकतम प्रयास करना चाहिए। कितना प्रयास करें? 100%। प्रयास पूरा हो गया, लक्षण क्या है? संतोष का उदय। मैं उल्टा कह रहा हूं, संभव है कि आप कार्य में असफल हो गए हो, असफलता मिली हो, फिर भी व्यक्ति संतुष्ट है कि मैं जो कर सकता था वो तो मैंने किया। ये तो कहेगा ना व्यक्ति, जो मैं कर सकता था वो मैंने किया। अब फिर प्रारब्ध जाने और क्या कह सकते हैं, बट मैंने वो काम ही नहीं किया तो। स्पष्ट हो गया ना? तो व्यक्तो यह प्रकृति उसके अंदर दैवी शक्तियों को आने से रोक देती है। इसीलिए आप बोलते हैं कोई कोई ऐसा होता है, कोई कोई, वो कोई कोई का बंटवारा कैसे किया गया? वो कोई कोई इसलिए बन गया कि उसने अपने मन से अपने कर्तव्यों को क्या किया है? पालन किया, दैवी गुण प्रवेश कर गए। अच्छा, दूसरा, तद्विज्ञाने कथमनु यत्न अधिकम कुर्यात्, तो फिर वो यत्न क्यों नहीं अधिक करेगा? पहला ही तो स्पष्ट हो गया। दूसरा, अब प्रश्न ये आएगा कि वह जो दैवी गुण है या सामर्थ्य है वो कैसे आए हमें? सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए हम क्या करें? श्रुति कहती है, दूसरा हेतु देता है, श्रम आदि अर्थो, मिल गया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी ये लाइन, तो बहुत ही अच्छी है। नहीं श्रम आदि साधन रहितस्य अभिमान राग द्वेषादि युक्तस्य ब्रह्म विज्ञाने सामर्थ्यम अस्ति। ये लाइन कर लीजिए अंडरलाइन, सरल संस्कृत समझ में आ जाएगी। कल मैं ये पंक्ति शब्द नहीं बोल रहा था, कठिन लगेगा। श्रम आदि संपत्ति का ब्रह्म ज्ञान से अबिना भाव का संबंध है। अबिना भाव, अबिना भाव का मतलब यह हुआ, जब जब श्रम आदि संपत्ति होगी तब तब उस व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। अच्छा, उल्टा कर लीजिए, उधर भी ब्रह्म विज्ञान के लिए श्रम आदि की संपत्ति जरूर चाहिए। उल्टा कर लो, यदि श्रम आदि संपत्ति नहीं है, नहीं है मतलब ये ले लीजिए वाक्य क्या है, न ही श्रम आदि साधन रहितस्य, रहितस्य मतलब नहीं है, क्या नहीं है? श्रम आदि नहीं है, तो क्या है आपके पास में? बोले कुछ है और मसाला है, कुछ तो है, अब वो क्या है? बोले वो बताओ भाई, अभिमान, वाह 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 ये है बोले मेरे पास, राग अटैचमेंट वो तो बहुत है बोले, द्वेष आदि। पर शिकार करते हैं, न ब्रह्म विज्ञाने सामर्थ्यमस्ति, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान की सामर्थ्य उसके अंदर नहीं आती। ये दूसरी संगति बैठती है, यदि किसी को इस अपने अंदर सामर्थ्य को बढ़ाना है, इको कम कर ले, आवाज बढ़ा, यदि किसी को अपने अंदर ब्रह्म ज्ञान का सामर्थ्य बढ़ाना है तो वह सिर्फ एक कार्य करे, संपत्तियों की वृद्धि करे और दुर्गुणों को हटाए। कुछ हटाने का भी काम चलता रहे, ये पंक्ति अंडरलाइन कर लिया अपने, इसलिए नहीं श्रम आदि साधन रहितस्य, मिल रहा है, नहीं श्रम आदि साधन रहितस्य, रहित एक रहितस्य है एक सहितस्य है,
जो श्रम आदि साधन से रहित है, रहित है, यहां क्या शब्द आया, क्या शब्द आया, रहित से आया ना, जो श्रम आदि साधन से रहित है और राग द्वेष से सहित है, न ब्रह्म विज्ञान है, न ऊपर से आ जाएगा। इसका मतलब सामर्थ्य को बढ़ाने का हेतु बना, वो कौन बना, समाधि संपन्न। अच्छा बोले तो यहां क्यों बता रहे हो आप, बोले यहां पे भी ऐसे ही हुआ, उन देवताओं को इतना अभिमान आ गया था, देखो ये हम लोग हैं, उन देवताओं को इतना अभिमान आ गया था और अभिमान के कारण वो ब्रह्म को पहचान भी नहीं पाए, वही ब्रह्म क्या बन के आ गया था, यक्ष। तो मैंने कल भी आपसे बोला अभिमान का पहला ही लक्षण ये है, ग्रहण शक्ति का अभाव, बहुत बड़ी चीज है, इस पे तो मनन करने लायक है, आनंद आ जाता है। रावण को हनुमान जी रावण को कितना अच्छा ज्ञान दे रहे थे, गलत ज्ञान दे रहे थे क्या? अब रावण बोलता है गुरु के नाम पर ये बानर हमको ज्ञान देगा, ये अभिमान है। देखो अच्छा सूत्र तो ये है कि ज्ञान किसी से भी मिले उसको ले लेना चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष बच्चे, दत्तात्रेय ने क्या किया, जहां मिले उस ज्ञान को, लेकिन उस ज्ञान में आड़े कौन आता है, मेरा अभिमान। तो इन देवताओं में भी अभिमान आ गया था तो उनको ब्रह्म का दर्शन नहीं हुआ। अच्छा उल्टा भी हुआ है, उल्टा भी हुआ है, जब उनका अभिमान चला गया तो उनको ब्रह्म का दर्शन, फिर ब्रह्म ने दर्शन उनको दिया, ये भी हुआ है। साथ में आख्यायिका में ये भी हुआ कि जब उनके अभिमान को तोड़ दिया तब उन सबको ब्रह्म का दर्शन हो गया। इसका मतलब आख्यायिका हमको दूसरा सूत्र ये देना चाहती है कि जिस भी साधक में ये दुर्गुण भरे हुए हैं उस व्यक्ति को कभी ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। तो मुझे क्या सीख मिली, मुझे ये सीख मिली कि मुझे अपने अंदर श्रम आदि संपत्तियों को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। दुर्गुण के नाम क्या लिए, अभिमान। आपको इसका एक अच्छा सूत्र देते हैं, बहुत सुंदर सूत्र है। पतंजलि ऋषि ने ये सूत्र दिया, पतंजलि ऋषि योग सूत्र बोलते हैं, ये कहां से पैदा होते हैं जरा जानो, ये कहां से पैदा हुए, तो बोलते हैं इनकी क्रम है, पहला है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, पांच हैं, क्लिष्टाच अक्लिष्टाच ऐसा करके सूत्र आता है। ये पांच हैं, उन्होंने एकदम एकदम सूत्र में ही गिना दिए, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। देखो अच्छा, सबकी जो खान है वो अविद्या तो है ही है, उसमें कोई अंतर ही नहीं, सबको पता है। ये देखो ये आ गई अस्मिता, अस्मिता, अस्मिता मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन कर सकते हैं व्यवहार में, अस्मिता मतलब अहम अस्मी, अब आपसे अन्यथा मत लीजिएगा, साधु जाति ऐसी होती है भाई, जैसे मैं ऐसा कहूं कि आप इनसे बात कर लीजिएगा,
या आप जाके वो काम कर लीजिए। तो हमारा जवाब क्या, मैं उनसे बात करूं, ये क्या है, ये है अस्मिता, ये पकड़ में आई। जब अहम के प्रति इतनी गौरव बुद्धि होती है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, यह जो भावी है यही अभिमान है, वो हम लोगों के अंदर भरा हुआ है। मतलब अगर मुझे किसी से बात करने में रुकावट आती है तो रुकावट कौन डाल रहा है, अहम अस्मि। अच्छा, उल्टा भी है, मैं ऐसा नहीं हूं, यह भी अभिमान है। मैं ऐसा हूं, यह भी अभिमान है, और मैं ऐसा नहीं हूं, यह भी अभिमान है। आपने मुझे क्या समझ रखा है, व्यक्ति बोलता है ना, आपने मुझे क्या समझ रखा है, मैं ऐसा नहीं हूं भाई, मैं कोई ऐरा गहरा थोड़ी ना हूं। लो लो लो, तो इसने अहम के प्रति क्या रखा है। अच्छा, संतों के जीवन को पढ़ने पे दिखता है तो उनको सब कुछ आके सुना के चला जाता था आदमी, बट वो निर्विकार बने रहते थे। सुना ठीक है, लेकिन हमारे साथ दोनों चीजें हैं। मुझे कैसे कह दिया आपने, कैसे कह दिया मतलब क्या, इसका मतलब मैंने अपने आप के अहम के प्रति हाँ कुछ चीजें सेटअप की हैं। ओहो हो, ये अभिमान है, यही गलाना है आपको अध्यात्म में। उल्टा व्यक्ति ये रिमार्क करे कि इतने बड़े पद पे होने के बावजूद ये व्यक्ति तो बहुत ही हम्बल है, ये भी तो व्यक्ति कह सकता है, ये क्यों नहीं कह सकता वो कि इतने इनको बात करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझसे क्या कर ली। ये भी रिमार्क व्यक्ति देता है, एकदम से नहीं देता, थोड़े समय बाद देता है। अहम अस्मि और मैं ऐसा नहीं हूं, ये भी अभिमान है। जब हम अपने अहम से चिपके हुए हैं तो पतंजलि ऋषि बोलते हैं ये रोग है अस्मिता। देखो अपनी अपनी, अच्छा जैसे ही यह अस्मिता होती है, अब इसका एक और बच्चा आ गया, इस बच्चे का नाम है राग। अब मैं कुछ लोगों का फेवर करूंगा, अच्छा कुछ लोगों का फेवर करूंगा, इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ का नहीं करूंगा, वो द्वेष आ गया। इसको कई बार आपको पढ़ाया होगा, द्वेष अनुज है। जीवन में किसी को द्वेष पहले नहीं आता, पहले राग आता है। राग अग्रज है, बड़ा भाई है। बड़ा भाई है इसका मतलब छोटा भाई फिर हो गई होगा, तो ये बच्चे पैदा हो गए कि नहीं हो गए। बट इनकी जननी क्या हुई, अस्मिता, अहंकार, और क्या कहें आपको, मानस में चौपाई आती ना, अस अभिमान। देखो भगवान को सबसे नापसंद चीज किसी में भक्त में लगती तो वो यही लगती है। और एक बार उनको ये पता लग गया कि इस भक्त में अभिमान आ गया है, तो महाराज उसके अभिमान को तो बोले ना अस अभिमान, जाऊ नहीं, मतलब मोरे मतलब मुझको, मोरे मतलब मुझको, मुझको मतलब किसको, भगवान को। ये पता लग गया कि इस व्यक्ति में अभिमान घुस गया, ओहो ओहो बहुत बड़ा दीमक लग गया ये तो। अब उसके ये मैंने आपको दृष्टांत दिया, नारद जी यही अभिमान लग गया था उनको। भगवान ने कहा ऐसा है, मैं कौतुकी की लीला भी करता हूं और लीला के बहाने से इनके अभिमान का क्या कर दूंगा, हरण भी करता हूं। कोई भी होवे, मतलब कोई भी होवे, भगवान को
अभिमान तो पसंद नहीं है, किसी चीज का अभिमान, किसी चीज का भी अभिमान नहीं, न विद्या का। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे विद्या का अभिमान हो गया है, ओहो हो हो, ज्ञानाभिमान हो गया है, तो भी भगवान उस ज्ञान को क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। तो आपको जो चीज याद आनी चाहिए, जैसा होना चाहिए, आपको वक्त आने पर भगवान क्या करेंगे, चलो ए, तो ए, ए, मुझे तो इतना आता था, क्या हो गया? भगवान ने वाणी लुप्त कर दी, खत्म, सरस्वती जी हटा ली पीछे से। तो अच्छा से अच्छा वक्ता अगर पीछे से हट जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी, फिर सोच के देखो आप। इसलिए एक बात सदैव याद रखिए, दैन्य प्रियत्वात्, नारद भक्ति सूत्र में आया, भगवान को दीनता पसंद है, दीनता पसंद है भगवान को, अभिमान नहीं पसंद है। हो गया, इसलिए क्या कहा गया, अभिमान शातनात, एक शब्द आया, कहा मिल गया ये आपको अर्थ मिला, ये शम आदि अर्थ व आमनाय, आमनाय मतलब वेद में, अभिमान शातनात, अभिमान को तोड़ने के लिए, अभिमान को तोड़ने के लिए ये आख्यायिका आई है। ये कितना अर्थ हो गया उसके, दो। पहला क्या हो गया, दुर्विज्ञेय। दूसरा क्या हो गया, श्रम आदि षट संपत्ति से यह ब्रह्म विद्या और बढ़ती है, ऐसा भी ये आख्यायिका में देखने को मिला। अच्छा, हो गया ये, यहां तक आखिरी एक वाक्य था, बहुत इंपॉर्टेंट था, अंडरलाइन कराया होगा, व्यावृत्त वाह्य मिथ्या प्रत्यय अग ही ग्रह्यत्वाद ब्रह्मण, मिल गया, ब्रह्म ग्रहण में आता है ग्रह्यत्वात्। कौन कहता है कि ब्रह्मानुभूति नहीं हो सकती, कौन कह सकता है कि ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता, ये क्या बोले, ग्रह्यत्वात् ब्रह्मण, ब्रह्म का ज्ञान भी होता है, ब्रह्म विद्या भी आती है, व्यक्ति जीवन मुक्त पुरुष भी बनता है। श्रुति कह रही है, ये मत सोचना कि किसी को ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता, ग्रह्यत्वात् ब्रह्मणा, ब्रह्म का ग्रहण होता है, बस एक शर्त है, ये अंडरलाइन की होगी, व्यावृत वाह्य मिथ्या प्रत्यय, प्रत्यय मतलब वृत्ति, वृत्ति मतलब समझ, मिथ्या मतलब गलत, जिस व्यक्ति की समझ गलत है, मैं इसको बहुत बड़ा एरिया लेता हूं, जिस व्यक्ति की दृष्टि गलत है, उस व्यक्ति को कभी भी ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। व्यावृत्त बहिर बाहर, मिथ्या मतलब गलत, जिस व्यक्ति की समझ ही नहीं ठीक है, समझ ठीक नहीं है क्या, इसको बहुत सरल शब्दों में कहें, जिस व्यक्ति को लगता है कि मेरी समस्या का समाधान अध्यात्म में है ही नहीं, ठीक है, जिस व्यक्ति को ऐसा लगता है, तो अब आप सोचो उसके चित्त में ब्रह्म ज्ञान पैदा होगा क्या, जिसकी समझ ही ऐसी। देखो आप इसके लिए क्या उदाहरण दें,